अच्छा, झारखंडी जो पार्टी है, झारखंड के जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, एक तरफ कह ले कि अभी नया नया पार्टी के लोग, बहुत सारे युवा नेता आए हैं, जयराम है, देवेंद्र है, संजय मेहता है, मनोज यादव जी है, कैसा लगता है इनको? जयराम तो भी ठीक है, झारखंड के लिए ठीक कर रहे हैं, वो भी ठीक है, तो अलग पार्टी से ना। अब पार्टी उनका अलग है, लेकिन क्या लगता है कि वैसे शख्स का जरूरत है? हाँ, वैसा चाहिए, ठीक है वो, लेकिन भले अगर वो पार्टी से ये बीजेपी में आ जाते तो ठीक है, जैसे अलग पार्टी से ना, लेकिन बीजेपी में अगर शामिल हो जाते तो ठीक है, लेकिन आदमी ठीक है वो। ये है कि 4 तारीख की संध्या कौन फिर से दिल्ली की गद्दी पर राज करते हैं, और साथ ही साथ झारखंड से कितने झारखंडी उम्मीदवार दिल्ली के संसद भवन में बैठेंगे। एक सवाल आप लोगों के बीच छोड़ के जाता हूं कि क्या टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से दिल्ली जा पाते हैं? दूसरा सवाल आपके पास ये छोड़ता हूं कि क्या रांची लोकसभा से देवेंद्रनाथ महतो दिल्ली के संसद भवन में बैठ पाएंगे जाकर? पूरे भारत में लोकसभा चुनाव का माहौल है और 5वें चरण का चुनाव समाप्त होकर के 6ठे चरण का चुनाव 24 तारीख को था, और ऐसे में अब अंतिम चरण यानी 7वें चरण की चुनाव है 1 तारीख को। ऐसे में हम लोग राजधानी रांची के मोराबादी में हैं और हमारे सामने कुछ कुछ ठेला वाले भाई साहब हैं जो सामान अपना बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि इस बार का जो माहौल है, इस बार का जो वोट है वो किधर हुआ है, और क्या वाकई में इस बार कोई बदलाव होगा झारखंड में। जो सीट है हमारे लोकसभा का, उसमें से तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ सोचते हैं। उससे पहले थोड़ा सा भैया से बात करते हैं, क्या नाम है भैया? मेरा शंभू कुमार आना। शंभू कुमार जी, क्या लगता है इस बार का माहौल लोकसभा चुनाव का किधर लगता है आपको? बस खाली मोदी आना चाहिए, खाली मोदी देश को सुरक्षित करने के लिए, बस खाली मोदी है यार, कोई नहीं इंडिया में, सिर्फ मोदी है। अच्छा, झारखंड के लिए मोदी जरूरी है क्या? अब केंद्र सरकार के लिए बोले ना हमको, तो केंद्र के लिए बोले मोदी है, अब झारखंड के लिए अभी थोड़ी। झारखंड के वर्तमान सांसद, जैसे यहाँ पे लोकल सांसद कोई है नहीं, तो वैसे में क्या लगता है कि झारखंड के लिए कौन से सुयोग्य होंगे? हम लोग का संजय सेठ है, समझ गए ना, रांची के। हाँ, रांची लोकसभा में आते हैं आप। हाँ हाँ, तो मतलब क्या लगता है, संजय सेठ जी पिछले अभी वर्तमान में सांसद भी है, अभी का कार्य को क्या लगता है, देकर के पुनः दोबारा उनको लाना चाहिए क्या? दोबारा तो आएंगे। अच्छा, उनके कार्यशैली से आप प्रसन्न हैं, खुश हैं? देखिए, हमको कार्यशैली या कुछ से मतलब नहीं, बस भले बीजेपी सरकार आना चाहिए। मतलब बीजेपी से मतलब है आपको? हाँ, बस बीजेपी मोदी से मतलब है। हाँ। अच्छा, क्योंकि उसके ऐसा सरकार बीजेपी से देश को रक्षा के लिए जो भी होता है काम आगे करने के लिए, यार अभी जो कर रहे हैं उसके लिए, उससे अच्छा कोई सरकार है नहीं। अच्छा, इसलिए सिर्फ मोदी। अच्छा, झारखंडी जो पार्टी है, झारखंड के जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, एक तरफ कह ले कि अभी नया नया पार्टी के लोग, बहुत सारे युवा नेता आए हैं, जयराम है, देवेंद्र है, संजय मेहता है, मनोज यादव जी है, कैसा लगता है इनको? जयराम तो भी ठीक है, झारखंड के लिए ठीक कर रहे हैं, वो भी ठीक है, तो अलग पार्टी से ना। हाँ, पार्टी उनका अलग है, लेकिन क्या लगता है कि वैसे शख्स का जरूरत है? हाँ, वैसा चाहिए, ठीक है वो, लेकिन भले अगर वो पार्टी से ये बीजेपी में आ जाते तो ठीक है, जैसे अलग पार्टी है ना, लेकिन बीजेपी में अगर शामिल हो जाते तो ठीक है, लेकिन आदमी ठीक है वो। चलिए, और लोगों से थोड़ा बात करते हैं, क्या नाम हुआ? चाचा भागवत महतो। भागवत महतो। महतो, कहाँ घर हुआ आपका? हमारा तो बिहार घर है। बिहार घर है। अच्छा, तो बिहार घर है, तो यहाँ का माहौल के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ जानकारी नहीं। अच्छा, वोट कहाँ दिए आप, जा करके दिए? वोट दिए हैं। कहाँ दिए? कमल छाप में। नहीं नहीं, मैंने कमल छाप में तो दिए, लेकिन कहाँ जाकर दिए? बिहार। बिहार में। बिहार में। अच्छा, बिहार गए थे वोट देने के लिए। हाँ। कितना तारीख को हुआ आपके घर तरफ वोट? 20 तारीख को। 20 तारीख को हुआ था, और मोदी में दे करके आ गए वोट। हाँ। मोदी को कहे चाचा, अब जहाँ जिधर गिर रहा था बहुमत था उधर दे दिए। अच्छा। अब इधर उधर देने से क्या फायदा था? कौन सा जिला पड़ता है आपका? वैशाली जिला। वैशाली जिला, और वैशाली जिला में वोट दे करके आ भी गए। अच्छा, कितना कमा लेते हैं चाचा इधर दिन भर में? हो जाता है 500-700 रुपया, 500 रुपये हो जाता है। और सब परिवार वगैरह भी यहीं रहते हैं? हाँ। चलिए, और एक भाई साहब है, थोड़ा इंटरव्यू पूछते हैं, क्या लगता है इस बार का माहौल कैसा है इधर झारखंड का? इस साल परिवर्तन का माहौल। परिवर्तन का माहौल है। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ भाई साहब? मेरा घर पलामू इटे है। पलामू हुआ। हाँ। तो पलामू में क्या लगता है, दोबारा जो है सो सांसद जी आएंगे क्या? नहीं, वो जो वर्तमान में थे अभी। नहीं नहीं, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। क्या उनसे खुश नहीं थे बीडी राम जी से? खुश का बात नहीं है, विकास नहीं हुआ था, इसलिए माहौल चेंज है। अच्छा, माहौल चेंज कर दिया। हाँ। तो इस बार पलामू से कौन आ रहे हैं? पलामू से चतरा से है केन त्रिपाठी। अच्छा, कौन से पार्टी से है केन त्रिपाठी?
पंजा छाप में दीजिएगा इस बार। हाँ दे दिए मतलब नहीं। हाँ 20 तारीख को दे दिए। अच्छा ये क्या बोलते हैं जो वर्तमान में सांसद जी हैं आपके पलामू के वीडी राम जी, तो इनको इनके जगह पे किनको ला रहे हैं? तो चतरा वाला हो गया। अब पलामू वाला हमको उतना आइडिया नहीं, वो कोई ममता या भुइया है वो जीतने का ज्यादा चांस है। वो जीतने का ज्यादा चांस है मतलब बीड़ी राम से ज्यादा वही जीतेंगे। हाँ वही जीतेंगे। अच्छा इस बार अच्छा वोट किसके नाम पर हुआ आपके घर तरफ गांव तरफ, विकास के नाम पे या फिर सिर्फ बदलने के नाम पे? विकास के नाम पे दिए हैं वोट। हाँ, नहीं विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ नहीं, लेकिन ये सोच के दिए कि अगला बार विकास होगा। हाँ, है ना। लगता है कि इस बार आप लोग का कल्याण होगा? वोट तो इसीलिए दिया है कल्याण के लिए ने। इसीलिए दिए ने। हाँ। चलिए आप वो आम बेच रहे हैं लगता नहीं? हाँ, आम बेचते हैं। अच्छा कैसे कितना आप कमा लेते हैं भैया आप दिन भर में हो जाता है 700-500, कभी घर से भी चल जाता है घाटा जाता है। बिक जाता है तो फायदा होता है, नहीं बिकता है तो घाटा हो जाता है। अच्छा आप लोग आज मजबूर हैं सड़क पर बेचने पर, आप लोग को रोजगार मिलता तो ये लोग ये सब करते क्या? नहीं ये सब नहीं करते, जब रोजगार मिले जाता तो ये सब करने से। रोजगार नहीं मिलने का जिम्मेदारी किसको मानते हैं? मोदी को। हाँ। तो इसीलिए लगता है पंजाब में इस बार बदलिएगा। हाँ। मोदी भी बदल दीजिएगा, मोदी भी चेंज हो जाएगा। प्रधानमंत्री अच्छा किसको बनाइएगा इस बार? राहुल गांधी को। तो मतलब देंगे रोजगार? नहीं देंगे, वो खटाखट दे रहे हैं पैसा तो कहा नहीं देंगे रोजगार। तो पैसा तो सुनते हैं मोदी जी भेज रहे हैं। नहीं मोदी जी का वहाँ अथी बैंक खोला है अपना। तो राहुल जी का बड़का बैंक खोले हैं, देंगे वो? देंगे अपना जो सरकार चलाएंगे वो कुछ अपना दिमाग लगाए होंगे तभी ने बोले हैं। राहुल जी दिमाग लगाए हैं लगता है, आलू से सोना वाला दिमाग लगाए नहीं? हाँ आलू से सोना वाला। अच्छा खैर कोई बात नहीं, आपकी अपनी औपचारिक है वो आप बोल सकते हैं। और कई लोगों का मन है कि इस बार बदलाव हो, कई लोग चाहते हैं कि नहीं बदलाव हो, कई लोग चाहते हैं कि विकास के नाम पे काम किया जाए, विकास को लेकर के वोट दिया जाए। हालांकि हम लोग ये सर्वे के लिए निकले हैं कि इस बार क्या रांची ही नहीं अन्य 14 के 14 लोकसभा सीट में किनको बहुमत मिलने वाला है झारखंड में, और इन तमाम पहलुओं को लेकर के हम लोग अलग अलग चौक चौराहे पर बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, बाकायदा मूड समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई में 24 में बदलाव होगा क्या। ऐसे में हम लोग राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में के समीप में हैं और यहाँ से आज हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ के लोग और खास तौर पर झारखंड के रांची के लोग क्या सोचते हैं और क्या वाकई में विकास के नाम पे वोटिंग हुआ है। हालांकि देखना यह है कि 4 तारीख की संध्या कौन फिर से दिल्ली की गद्दी पर राज करते हैं और साथ ही साथ झारखंड से कितने झारखंडी उम्मीदवार दिल्ली के संसद भवन में बैठेंगे। एक सवाल आप लोगों के बीच छोड़ के जाता हूं कि क्या टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से दिल्ली जा पाते हैं? दूसरा सवाल आपके पास ये छोड़ता हूं कि क्या रांची लोकसभा से देवेंद्रनाथ महतो दिल्ली के संसद भवन में बैठ पाएंगे जा करके? ऐसे में अन्य तमाम लोगों के बारे में आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें कि कौन झारखंड से दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली के संसद भवन में बैठेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, जोहार, नमस्कार, जय हिंद।